हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेल, आज की वीडियो ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ अबाउट समथिंग जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ये ना बेसिक वीडियो है फॉर बेसिक स्टूडेंट्स जो अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं इंग्लिश में और बोलते हुए अटक जाते हैं या गलतियाँ कर देते हैं, राइट? तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इसको एंड तक आप ज़रूर देखें, ठीक है? आज मैं बात करने वाला हूँ डेली रूटीन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन। आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में आपके जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, जो आप रोज़ करते हैं, उसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आज, ठीक है? देखो, रूटीन सबका है। जनरली बहुत सारे काम हम रोज़ वही करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं सो योर टाइम टेबल इज़ फिक्स्ड कि आप इतने बजे उठते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर ये, फिर आते हैं, फिर, राइट? दैट्स फिक्स्ड। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं सो अगैन बिल्कुल फिक्स है वो भी आपका। अगर आप गृहिणी हैं, यू आर अ हाउस मैनेजर, तो आपका भी फिक्स है सब कुछ। तो जो काम आपका फिक्स है जनरली, और आप, और उनको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड एक्शंस भी कहते हैं क्योंकि आप उनको बार बार करते हैं, तो वही हमारा डेली रूटीन होता है, राइट? और अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेते हैं, थोड़ा सा और आप इसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ओके? तो देखो, डेली रूटीन का क्या मतलब है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आती है कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं, ठीक है? तो देखिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है तो आप उसको एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं उसकी वीडियो आपके साथ, वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप उसे एक बार देख लें। अगर आप वैसे उसे नहीं भी देखते हैं तो इस वीडियो में भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे अपने रूटीन को बोलेंगे या सिंपल प्रेजेंट में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। यू विल गेट इट, ठीक है? सो चलिए, लेट्स बिगिन विद डेली रूटीन। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, ठीक है? तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई आई, मतलब मैं, I wake up. I क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लगाया? Wake up. Wake up means जागना, right? तो वो क्या है? वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, I wake up. बस आपको यही पकड़ लेना है। जब आप रूटीन की बात कर रहे हैं, यही दो चीज आप ले लो, एक तो सब्जेक्ट यानी कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्लस वर्ब। बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? सो चलिए, लेट्स बिगिन। चलिए बात करते हैं एक वर्किंग पर्सन की। पहले कोई वर्किंग पर्सन है और वो अपना रूटीन बता रहा है, ठीक है? सो लेट्स से मैं वर्किंग पर्सन हूँ और मैं आपको अपना रूटीन बता रहा हूँ। सो आई वेक अप एट क्यों लगा? क्योंकि मैं आगे टाइम यूज करने वाला हूँ। जब भी आप टाइम को मेंशन करेंगे, मेक श्योर आप एट यूज करेंगे। आई वेक अप एट जो भी टाइम है आपके उठने का, 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock और 8 o'clock, राइट? जो भी आपका टाइम है वो आप यूज करेंगे। सो आई वेक अप एट, फिर आप टाइम यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं, लेट्स से आप 4 o'clock या 5 o'clock उठ जाते हैं, तो उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं जब आप अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं, हाय, आई एम एन अर्ली बर्ड। क्या यूज कर सकते हैं आप? अर्ली बर्ड। या आप ये भी यूज कर सकते हैं, हाय, आई एम एन अर्ली राइजर, अर्ली राइजर, और अ मॉर्निंग पर्सन। आप ये भी कह सकते हैं दैट यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। सो अर्ली राइजर, अर्ली बर्ड और मॉर्निंग पर्सन इज समवन जो सुबह जल्दी उठता है और अपने ज्यादातर काम वो सुबह जल्दी फिनिश कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग पर्सन या फिर अर्ली बर्ड और अर्ली राइजर। सो आप ऐसा भी कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अगेन। आई वेक अप सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, आई वेक अप एट जो भी टाइम है आपका, 7 a.m.
ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जनरली हम लोग परफॉर्म करते हैं जो हमारी मॉर्निंग कॉल्स होती हैं, फ्रेश होना, फेस वॉश करना, टूथब्रश करना। तो इनको आप एक एक ना बताएं कि भाई एक 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 स्टेप, आप सिंपली इसे ये कह सकते हैं आई मतलब फिर वही सब्जेक्ट, आई परफॉर्म माई मॉर्निंग कॉल्स। मॉर्निंग कॉल्स में तीन चार काम आपके आ गए, ठीक है। सो आई वेक अप एट 6 AM, देन आई परफॉर्म माई मॉर्निंग कॉल्स। आफ्टर दैट आई एक्सरसाइज, लेट्स से आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं, सो आई एक्सरसाइज एट होम। आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, आई एक्सरसाइज एट होम फॉर अराउंड 30 मिनट्स। या आप अगर जिम जाते हैं, सो यू कैन से आई गो टू माई जिम। क्लियर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई कम बैक, कम बैक मतलब लेट्स से आप जिम जाते हैं, सो आई कम बैक, मैं वापस आता हूं। आई मतलब मैं सब्जेक्ट, कम मतलब आना, बैक आई कम बैक। आगे चलते हैं। आई कम बैक एंड आई हैव माई शावर। ये जो वर्ड हैव का मतलब टेक होता है, तो टेक की जगह हम हैव यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई टेक माई शावर, या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव माई शावर। दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब है कि आप नहाते हैं। देन आप हर बार, कुछ लोग कहते हैं कि बार बार देन अच्छा नहीं लगता, सो आप कहीं पर आफ्टर दैट यूज कर सकते हैं, कहीं पे देन यूज कर सकते हैं, कहीं पर आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर जो भी आपने काम किया उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, आफ्टर एक्सरसाइजिंग, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम जिम, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस आपने बोला, उसके बाद आपने कहीं पर देन लगाया, कहीं पर आफ्टर दैट आप यूज कर सकते हैं, और कहीं पर आप यूज कर सकते हैं आफ्टर और जो वर्ब, यानी कि जो आपने एक्शन किया, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग माई शावर आई ड्रेस अप, देन आई प्रे टू गॉड, आफ्टर प्रेइंग आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ना बोलने से आप, आई एम श्योर यू नो दैट, ब्रेकफास्ट नहीं होता है ये, दिस इज ब्रेकफास्ट। सो आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में, सब्जेक्ट और साथ में वर्ब का आपको ध्यान रखना है बस। आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने रूटीन की ना, पहले वर्ब्स लिख लें, वेक अप, टेक, एक्सरसाइज, है ना, पहले वर्ब्स लिख लें फिर आप करें तैयारी, ठीक है। दैट वे ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वेल चलिए शुरू करते हैं दोबारा। सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई लीव माई हाउस, मैं अपने घर को छोड़ता हूँ। आई लीव माई हाउस कहाँ के लिए, फॉर माई ऑफिस, मैं पहले ऑफिस के लिए, पर्सन के लिए बता रहा हूँ। आई लीव माई होम और आई लीव माई हाउस फॉर माई ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, आप लेट्स से आप अपनी कार से जाते हैं, सो आप दो तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं। अब आप अपनी कार से जाते हैं तो आते भी अपनी कार से ही होंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो आप या तो ये कह सकते हैं आई कम्यूट, आई आस्क यू टू नोट दिस वर्ड डाउन, आई कम्यूट टू माई ऑफिस बाय माई कार। अच्छा, कम्यूट का मतलब क्या हुआ, कम्यूट मतलब आना जाना, जिस चीज से आप आते हैं उसी चीज से आप जाते हैं, उसी चीज से आप आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्यूट करना, उस चीज से आप कम्यूट करते हैं। सो आई कम्यूट बाय माय कार। और लेट से आपके पास कार नहीं है और आप बस से जाते हैं, तो तब भी आप ये कह सकते हैं, पर देन एक सेंटेंस आप और यूज कर सकते हैं, आई लीव माय हाउस फॉर माय ऑफिस, आई गो टू अ बस स्टॉप, आई वेट फॉर द बस, ठीक है, आई वेट फॉर द बस, यहाँ पे हो गया कि मैं बस का इंतजार करता हूँ, देन बस आ जाती है, द बस कम्स। आगे आई गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस का क्या मतलब हुआ कि मैं बस पर चढ़ जाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक एक कुछ सेंटेंस, हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत डिटेल्स दे रहा हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू एड कि कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें मिल जाएं। सो आई गेट ऑन द बस का क्या मतलब हुआ, बस में चढ़ना, राइट। सो आई गेट ऑन द बस,
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. सो आई गेट ऑन द बस, देन आई रीच माई ऑफिस. बहुत सिंपल है. अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. समझ में आ गया कि व्हाट आई वांट टू से. सो रूटीन का मतलब ये है जो आपके रिपीटेड एक्शंस हैं, राइट? और आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप सब्जेक्ट यूज करें आई, और साथ में आप यूज कर लें वर्ब. दैट्स इट. ठीक है, आई रीच माई ऑफिस, आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट वर्किंग, मैं काम करना शुरू करता हूँ. देन आई हैव माई लंच. हैव की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? टेक. आई टेक माई लंच एट अराउंड 1. देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन. देन इन द इवनिंग एट 6 आई लीव माई ऑफिस फॉर माई हाउस. आई रीच माई हाउस, राइट? आई चेंज माई क्लोथ्स. आई चेंज भी बोलेंगे तो भी चलेगा. आई चेंज का मतलब भी यहाँ पे ये समझा है, समझ में आता है कि मैं कपड़े चेंज करता हूँ. सो आई चेंज और आई चेंज माई क्लोथ्स. देन आई गेट फ्रेश. आफ्टर दैट आई टेक डिनर. आफ्टर डिनर आई गो फॉर अ वॉक. लेट्स से यू हैव दिस गुड हैबिट इन यू कि आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं. सो आई गो फॉर अ वॉक. देन आई कम बैक. आई टेक माई मिल्क एंड देन आई हिट द सैक. हिट द सैक का मतलब है टू गो टू बेड. आई हिट द सैक. दैट्स इट. सो दिस इज योर रूटीन. तो यहाँ पर समझने की बात यह है दैट हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और सीधा वर्ब. बस एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम और अगर आपने यहां तक रोके हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए. अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं, लेट्स से यू टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, किसी और की आप बात कर रहे हैं और वो कोई एक पर्सन है, एक सिंगुलर, तो उसके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस लगा देंगे. यानी कि जो वेक था वो क्या हो जाएगा? वेक्स अप. गो क्या हो जाएगा? गोज. कम क्या हो जाएगा? कम्स. कम्यूट क्या हो जाएगा? कम्यूट्स. जैसे ही वेक्स अप एट दिस टाइम, ही गोज टू जिम, ही एक्सरसाइजेस, ही कम्स बैक, ही गोज टू ऑफिस, ही टेक्स लंच, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही कम्स बैक, ही रीचेस, लाइक दिस. दैट्स इट. सो दिस इज योर रूटीन. नाउ दिस इज नॉट इनफ माय डियर फ्रेंड्स. आपको अपना रूटीन लिखना है और उसे कई बार बोलना है. जब तक आप बोलेंगे नहीं खुद से, आपकी कमांड आएगी नहीं. सो मेक श्योर आप बोलें. आई रिक्वेस्ट यू कि आप कई बार अपना रूटीन बोलें, अपने मॉम का रूटीन बोलें, अपने डैड का रूटीन बोलें. जितनी बार आप बोलेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी जो कमांड है वो पॉलिश्ड होगी. आई एम श्योर यू विल डू दैट. सो दिस वॉज अबाउट डेली रूटीन, आर रिपीटेड एक्शंस, राइट? एंड लाइक आई सेड, मैं आपको साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वीडियो की लिंक है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आपको वहाँ पे जाके यू कैन जस्ट क्लिक दैट एंड यू कैन वॉच दैट. वेल, थैंक यू सो वेरी मच. आई विल सी यू इन माई अनदर वीडियो. थैंक यू.